नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध और समन्वित तरीके से पीछे हटेंगे। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। देश में 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए। उत्तराखंड में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की योजना का राष्ट्रीय आपात आदेश वापस लिया। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर तनाव समाप्त करने पर सहमति बन गई है। पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में कल लोकसभा में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में हुए समझौते में यह कहा गया है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध और समन्वित तरीके से पीछे हटेंगे। चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। रक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ कुछ अन्य जगहों पर तैनाती और गश्त के मामले में अभी भी कुछ मुद्दे लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन मुद्दों पर चीन के साथ आगे की चर्चा पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन की ओर से एक तरफा कार्रवाई की चुनौतियों का जवाब दिया है और पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी दोनों किनारों पर बड़ी बहादुरी और साहस का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि कई सामरिक क्षेत्रों की पहचान की गई है और हमारे सैनिक भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वर्ष 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। केंद्रीय बजट 2021-22 की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे। सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1,33,689 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव किया।
Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories to provide adequate credit to our farmers. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बजट में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के आवंटन को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन 13,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटित धन को 48% बढ़ाकर 13,677 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन पर भी विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्राम भंडारण योजना के बारे में उल्लेख किया, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होने और कोविड महामारी की स्थिति समाप्त होने के बाद नागरिकता प्रदान करने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कल एक रैली में उन्होंने मतुआ समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वर्ष 2018 में किए गए भाजपा के वायदे के अनुसार उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मतुआ समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश में मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। गृहमंत्री ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शरणार्थी कल्याण योजना शुरू की जाएगी। इससे पहले उत्तरी बंगाल के कूच बिहार के रामलीला मैदान में एक जनसभा में गृहमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देगी। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है। ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है। ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है। ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग, विद्या, अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है। निर्वाचन आयोग का एक दल चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल शाम पुदुचेरी पहुंचा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में 8 सदस्यों वाले दल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपने विचार तथा सुझाव साझा किए। आयोग का दल आज मुख्य सचिव, गृह सचिव, चुनाव संबंधी नियामक एजेंसियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चेन्नई में दो दिनों तक चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सभी अनुरोध पर विधिवत विचार किया गया और उनकी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ दल चाहते थे कि मतगणना 1-2 दिन में ही कर ली जाए। श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव 1 से अधिक राज्यों में होने हैं, इसलिए मतगणना 1 समान तरीके से की जानी है। सरकार ने कहा है कि देश में 5 साल के भीतर 1.2 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME पंजीकृत किए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उद्योग आधार पोर्टल के अनुसार 2015 से जून 2020 के बीच कुल 1.32 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत थे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई अन्य योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने विशेषकर कोविड महामारी से देश में एमएसएमई क्षेत्र को मदद देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहल की हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में कानून का उल्लंघन करने वाले, फर्जी खबरें फैलाने और हिंसा को उकसाने में लिप्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में कल श्री प्रसाद ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में ये भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेंट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं, और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें, इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। रेल मंत्रालय ढांचागत विकास, विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा तंत्र पर जोर देते हुए भविष्य की तैयारियां कर रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त और पदेन सचिव नरेश सलेचा ने बताया कि मंत्रालय अगले 30 वर्षों की जरूरतों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री सलेचा ने कहा कि रेलवे विभिन्न प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्वदेशी उद्योग में तेजी आएगी और देश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हम लोग मेक इन इंडिया पॉलिसी जो भारत सरकार की है उसको पूर्णतया से इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसमें जो वाणिज्य विभाग का जो DPIT का ऑर्डर है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उसको हम 100% इसका पालन कर रहे हैं। जो हमारा इम्पोर्ट कंपोनेंट जो 13-14 में 5.6% हुआ करता था वो हमने इसको घटा के 1.5% से भी कम ले आए हैं, और इसी से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मदद मिल रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी बैटरी विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गडकरी ने कल एक समारोह में कहा कि देश इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में स्थानीय स्तर पर लगभग 81% लिथियम आयन बैटरी कम लागत पर उपलब्ध है, और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अवसर पैदा होते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि शुरू में 1 करोड़ वाहन नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत चलाए जाएंगे, जिससे सस्ती एल्युमिनियम, तांबा, रबर, स्टील की उपलब्धता होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में देश में दलहन का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन हो गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये किसानों, वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण संभव हुआ है। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इससे कृषि और गैर कृषि से जुड़े परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे पर काम चल रहा है। इसके पूरा होने पर दिल्ली से दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से कम होकर 210 किलोमीटर रह जाएगी, और यात्रा समय मौजूदा 6 घंटे 50 मिनट से घटकर केवल 2 घंटे 50 मिनट रह जाएगा। ये देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जमीन से ऊपर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। योजना को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC मोड के तहत पूरा करने का निर्णय किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध और समन्वित तरीके से पीछे हटेंगे। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। देश में 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा। और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की योजना का राष्ट्रीय आपात आदेश वापस ले लिया है। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में सुरंग में फंसे 25 से 30 लोगों की तलाश का कार्य कल रात जारी रहा।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक 36 शव मिले हैं और 168 लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट। चमोली के तपोवन इलाके में बने धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट पर हुए कुदरत के कहर को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे लोगों को लेकर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कहा कि बचाव दल सुरंग में 180 मीटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जहां ये कर्मचारी फंसे हो सकते हैं। जमीन के नीचे की जा रही खुदाई भी मुश्किल हो गई, क्योंकि 6.5 मीटर के बाद नीचे से पानी आने लगा और खुदाई करने वाले उपकरणों का ठीक से काम कर पाना संभव नहीं रह गया। तलाशी अभियान के लिए एक बड़ी चिंता की बात धौली गंगा नदी के उद्गम स्थल पर बनने वाली पानी की छोटी छोटी झीलें हैं, जिनके फटने से कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। धौली गंगा के उद्गम स्थल पर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में सर्वे करने के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने इन झीलों की जानकारी दी है। स्थानीय प्रशासन ने इन झीलों के पानी को निकालने का कल प्रयास किया था, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था और कुछ समय के लिए तलाशी अभियान को रोकना पड़ा था। इस बीच तपोवन के आसपास के दूसरे आपदाग्रस्त इलाकों में आम लोगों के साथ ही राशन का सामान और पुल निर्माण के लिए भारी उपकरण को ले जाने का काम चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रैणीगांव, तपोवन, चमोली। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में धौली गंगा नदी पर एनटीपीसी के जल विद्युत परियोजना स्थल पर चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य की प्रगति की समीक्षा की। 7 फरवरी को चमोली जिले में ऋषि गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में हिमस्खलन से अचानक बाढ़ आ गई थी। गृह सचिव ने परियोजना स्थल से ऊपर जल के प्रवाह के मार्ग में बने अस्थायी अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव को स्थिति के विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ तैनात करने और केंद्र तथा राज्यों की एजेंसियों के समन्वय से समुचित उपाय करने को कहा है। भारत में 26 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमरीका में यह काम 27 दिनों में और ब्रिटेन में 48 दिनों में सम्पन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,05,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार में सबसे अधिक 79% स्वास्थ्यकर्मियों को टीका दिया गया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है। पुदुचेरी में यह संख्या सबसे कम 17.5% है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.26% हो गई है। कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1,05,00,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मामलों का केवल 1.31% है। देश में कल संक्रमण के 12,923 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 108 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल 6,99,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 20,40,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 45% कोविड टीकाकरण का कार्य हो चुका है। राज्य में कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में अब तक 4,83,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। सबसे अधिक टीकाकरण कल शाजापुर में 71% दर्ज किया गया है। इस बीच कल 169 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, वहीं 199 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड से एक रोगी की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,828 है, वहीं कोविड पॉजिटिविटी दर 1.0 है। प्रदेश में कुल 52 में से 21 जिलों में कोई नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में कहीं से भी टीके लगाने के बाद नकारात्मक प्रभाव की सूचना नहीं है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में कल 21,400 स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मियों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। राज्यभर में 207 टीका केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 17,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मी और 3,873 स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल थे।
गुजरात में कल 27,657 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पूरे राज्य में 902 केंद्रों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 7,41,788 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 संक्रमण के 285 नए मामले सामने आए, जबकि 302 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक कुल 2,58,270 मरीज कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.66% हो गई है। इस वक्त राज्य में कुल 1,781 सक्रिय मामले हैं, इसमें से 30 मरीज वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 77 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 49 नए मामले सामने आए। सूत्रों के अनुसार राज्य के 13 जिलों में पिछले 24 घंटों में संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल करीब 34,900 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड के टीके लगाए गए। राज्य में अभी तक कुल 6,08,570 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल कोरोना वायरस के 3,297 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 20,52,905 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महामारी से महाराष्ट्र में अभी तक 30,265 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के फैलाव पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न खबरदारी ली जा रही है। अगले हफ्ते होने वाले माघी गणेशोत्सव तथा शिव जयंती के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार गणेश जी के आगमन तथा विसर्जन के समय किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। गणपति पंडाल में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 10 कार्यकर्ता तथा 15 भक्तजनों को दर्शन के लिए आने की अनुमति होगी। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने के आदेश भी सभी मंडलों को दिए गए हैं। इन दोनों त्योहारों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जगह रक्तदान शिविर तथा अन्य स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को भी कहा गया है। कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव को छोटे तौर पर मनाने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना के अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। स्वीटी जैन के साथ जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में अब तक 4,48,446 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के किसी विभाग से वैक्सीन के प्रतिकूल असर की कोई खबर नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का कार्य लगभग समाप्त हो गया है और टीकाकरण अभियान में छूट गए कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को कल टीके लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुगल गार्डन आम जनता के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रखरखाव के मद्देनजर मुगल गार्डन सोमवार को बंद रहेगा। कोविड महामारी के कारण इस वर्ष मुगल गार्डन में सीधे प्रवेश नहीं मिल सकेगा। लोगों को केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। गार्डन देखने के दौरान लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर प्रसन्न पांडा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। आप 01123314444 पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल के अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय आपात आदेश वापस ले लिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश का इस्तेमाल मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की योजना के लिए धन जुटाने के लिए किया था। अमेरिकी संसद को कल लिखे पत्र में बाइडेन ने कहा है कि ये आदेश गलत था और दीवार निर्माण पर अब कोई धनराशि खर्च नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन के अधिशासी आदेशों की श्रृंखला में ये नई घोषणा है। आदेशों में पूर्व राष्ट्रपति के एजेंडे की कई महत्वपूर्ण बातों को वापस ले लिया गया है।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में दक्षिणी सीमा को लेकर आपात स्थिति की घोषणा की थी, जिसके तहत राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी लिए बिना दीवार निर्माण के लिए सैन्य धनराशि का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। अनुमान है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ा तब तक इस परियोजना पर लगभग $25 अरब खर्च हो चुके थे। अमरीका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर पर अमरीकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले एक दशक में अमरीकी कांग्रेस शोध सेवा की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका और भारत के संबंध करीबी हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ अमरीकी संबंधों को अविश्वास के रूप में देखा जा रहा है। इराक में स्वतंत्र उच्च निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 10 अक्टूबर को होने वाले देश के चुनावों की निगरानी के लिए 52 देशों के दूतावासों को आमंत्रण भेजा है। अक्टूबर के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए 328 सदस्य चुने जाएंगे, जो बाद में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। निखिल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटाने पर भारत और चीन में सहमति, अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेंगोंग से पीछे हट रही सेनाएं। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सहमति की, संसद को दी जानकारी, कहा टकराव से पहले की स्थिति बहाल होगी। अमर उजाला का कहना है वापसी शुरू, एक सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। जनसत्ता की बड़ी खबर है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार सख्ती बरतेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया मंचों को फर्जी खबरें, हिंसा या वैमनस्य को बढ़ावा देने के खिलाफ आगाह किया। दैनिक जागरण की खबर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की सिफारिश की। हिन्दुस्तान वाडिया संस्थान के हवाले से लिखता है ऋषिगंगा क्षेत्र में एक और बड़ी झील का खुलासा, वैज्ञानिकों ने कहा टूटने की स्थिति में ये हो सकती है खतरनाक। दैनिक जागरण का कहना है सरकार ने घरेलू विमान यात्रा किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की, 3 घंटे से अधिक की उड़ान के लिए कंपनियां 24,200 रूपये तक वसूल सकेंगी, नई सीमा इस वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। दैनिक भास्कर ने मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक एमबिट के हवाले से लिखा है देश में 5 साल में 60 गुना बढ़ा डेटा ट्रैफिक, भारतीयों ने स्मार्टफोन पर रोज बिताए 5 घंटे, डेटा खपत बढ़ाने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वीर अर्जुन और पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए पत्र लिखता है हमारी राजनीति में राष्ट्रनीति सर्वोपरि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध और समन्वित तरीके से पीछे हटेंगे। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। देश में 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए। उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा। और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की योजना का राष्ट्रीय आपात आदेश वापस ले लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।